नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित गुप्ता है। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ अटलांटा हॉस्पिटल में। मैं लोकमत न्यूज़ के कैंपेन आपकी सेहत आपके हाथ का सपोर्ट करता हूँ और साथ ही इस विषय के ऊपर थोड़ी जानकारी अपने पेशेंट्स को देना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, आजकल बच्चों में बीमारियों की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। उसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो हमारे जो लाइफस्टाइल है या जीवन शैली जो हमारी ख़राब होती जा रही है वो बहुत बड़ा उसका कारण है। जैसे कि आजकल हम लोग बाहर ना घूमने के बजाय घर के अंदर ही मोबाइल पे, टीवी पे, अपना लैपटॉप पे ज़्यादा टाइम जो है व्यतीत करना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर भी असर डाल रहा है। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके घूम रहे हैं। हर बच्चे को आज के डेट में ये पता है कि यूट्यूब क्या है, मोबाइल का गेम्स कहाँ से निकलेंगे, जबकि उनका अगर बोला जाए कि बाहर जाके थोड़ा सा फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, तो बच्चे हाँफना शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो जीवन शैली हम और सीधा तरीके से ना देखा जाए, इनडायरेक्ट वे में देखा जाए, जिस वजह से हमारा जैसे वातावरण जो हमारा प्रदूषित हो रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं उसके एक कारण है कि पेड़ कटते जा रहे हैं, हम मोटरसाइकिल पे और कार्स में ज़्यादा ट्रेवल करने लगे हैं, जिस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत पे असर डाल रहा है। मेरा संदेश जो छोटे शब्दों में ये रहेगा कि बच्चों का पोषण आप ठीक से रखिए, तंदुरुस्त खाना दिलाइए, बाहर उनको खिलाइए, रादर देन अपने घर के अंदर एक चार दीवारी के अंदर उन बच्चों को रखने के बजाय आप उनको बाहर लेकर जाइए। मोबाइल, टीवी, इन सब से जितना दूर हो सके उतना दूर बच्चे को रखें। आजकल हम जो अपने क्लिनिक पर कॉमनली देखते हैं, बच्चे को अगर हम वैक्सीन भी लगा रहे हैं, बच्चा रोना शुरू होता है और हम उसको मोबाइल दे देते हैं, ले बेटा तुम सॉन्ग सुन, राइम सुनो, तुम चुप हो जाओ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसको हम आदत डाल रहे हैं फ़ोन की, या फिर हम चॉकलेट लेकर आते हैं, चॉकलेट दे दी उसको कि चुप हो जाए। बच्चा अगर थोड़ी देर रोता है तो कोई दिक्कत नहीं है, रादर देन उसके लंबे टाइम तक हम उसको इस चीज़ की आदि बना दें। बच्चे को बाहर लेकर जाइए, तंदुरुस्त खाना खिलाइए, खुले वातावरण में उसको घुमाइए। क्या क्या बीमारियाँ, बीमारियाँ जो हम कॉमनली बच्चों में देख रहे हैं, सबसे बड़ी जो हम बीमारी देख रहे हैं आजकल, सांस की बीमारी देख रहे हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया। आजकल हम जहाँ पे हम पहले बहुत कम नेबुलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता था, आजकल हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नेबुलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा जो एक सोसाइटी के अंदर एक मिथ चल रहा है कि ये नमोनिया का वैक्सीन या फ्लू का वैक्सीन ऑप्शनल वैक्सीन है, इसका बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं बच्चे को आपके जो भयंकर बीमारियाँ हैं उनसे बचाता ही है। तो मेरी राय ये रहेगी कि सारे वैक्सीन आप बच्चे को लगाइए और जितना हो सके ये प्रदूषित वातावरण से बच्चों को अपने बचाइए।